मैं आजाद कश्मीर से आया हूं। हमने सारी जमातों का एक फोरम कायम किया है, ऑल पार्टीज कश्मीर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, उसके कन्वीनर की हैसियत से आजाद कश्मीर के सारे कायमीन की तरफ से आपको सलाम भी पहुंचाना चाहता हूं। और आपको ये खुशखबरी भी कि हमने बेस कैंप में यह फैसला किया है कि अपने जमाती इख्तलाफात और एजेंडों को एक तरफ रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों और चार्टर की बुनियाद पर हक के खुद राज़ियत के उसूल के लिए इंशाअल्लाह सब हम यकजान हैं। और इस वक्त मकबूला कश्मीर में जो तहरीक बरपा है, गुज़श्ता 25-26 साल से जिस नए अंदाज से एक इंकलाब बरपा हुआ, उसको एक नवीज दी है, उसको नया रुख दिया है। नानी शहीद की शहादत ने उसके नतीजे में वहां पर हुर्रियत क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह आज यकजहत और यकजान है। उनकी जानों को खतरा है। गिलानी साहब गुज़श्ता 6 साल से मुसलसल घर पर नजर बंद है। यासिन मलिक साहब की सेहत की बिगड़ती हुई सूरत हाल, शबीर अहमद शाह साहब की सेहत के बारे में भी यही इत्तला है। नवाज साहब को भी सरकार से महफूज रखा गया है। हम उन सारे कायदीन को सलाम भी पेश करते हैं और उनके नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, नज़ीर शाह साहब और नज़ीर कुरैशी साहब, और फिर नई नस्ल मुजम्मल अय्यूब और जफर कुरैशी और यासर, हम इनकी वसातत से और हजार इनकी वसातत से अपने उन भाइयों को कायदीन को ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि कश्मीरी और पाकिस्तानी आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में हो, बरतानिया और अमेरिका में हो, दुनिया के जिस भी कोने में हो, वो आपकी जिम्मेदारी से लातल्लुक नहीं है और इंशाअल्लाह ताला आपके शाना निशाना है। हम लोगों सामने आ रहे हैं हिंदुस्तान की इस हाई कमीशन के सामने। हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम जितने कत्ल करो, जितना तशद्दुद करो, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि बुरान वारी इंशाअल्लाह इसी तरह उठते रहेंगे और आपके इस्तेमाली कब्जे के खिलाफ अपनी जद्दोजहद को जारी और सारी रखेंगे।